वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हमारा दिल्ली वर्सेस मुंबई इंडियंस का फाइनल मैच खेलेंगे हम लोग आईपीएल में। मैंने कोई भी टीम चूज़ नहीं की, दोनों कंप्यूटर्स हैं। तो अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको गेम प्ले कैसा लगा। मैं मुंबईन हूँ तो दुआ करूँगा कि मुंबई जीते और दिल्ली पहली बार बेचारी जीतेगी अगर जीत गई तो, नहीं तो मुंबई का ये 5वीं जीत होगी। जैसा आज शाम में मैच है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएगी तो 3 लोगों को एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और एक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे बहुत से अच्छे अच्छे गेम्स आने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें ज़रूर, आपकी प्रिडिक्ट करें। थैंक यू। शारजा में उन्होंने खिलाया नहीं, में तो अच्छा लगता था। यहाँ पे तो शारजा ग्राउंड यूज़ किया गया है क्योंकि ये गेम में दुबई का स्टेडियम नहीं है, सिर्फ शारजा का ही गेम है स्टेडियम है। तो हमने कहा कि अच्छे मैच करने के लिए ग्राउंड छोटा होना चाहिए। और ये जो दोनों टीम्स है वो सेमीफाइनल्स की टीम है। सिर्फ दिल्ली में प्रवीण दुबे नहीं मिले, उसके बदले अमित मिश्रा को हमने यूज़ किया है। देखिए प्रवीण दुबे के बदले अमित मिश्रा खेलते हैं। और ये टॉस टॉस कॉल कर रहे हैं रोहित शर्मा, और मुंबई ने टॉस जीता है। और मुंबई क्या करने का डिसाइड करती है देखें, रोहित शर्मा बहुत गौर से करते हुए, और मुंबई ने बॉलिंग का फैसला लिया। वाह, मुंबई की इतनी अच्छी बैटिंग होने के बावजूद बॉलिंग का निर्णय, लगता है चेस के लिए। और ये फर्स्ट बॉल, और ये चौका, धवन की बैट से 5वीं बॉल पे चौका पड़ा है। और नेथन कोल्टन ने नाइल की पहली ओवर में देखें कितने रन आते हैं। और स्टॉइनिस बैटिंग पे, और स्टॉइनिस ने उड़ा के मारा है और कैच होते होते बचे, और ये 4 रन की तरफ, कम से कम 200 रन नहीं, 16 ओवर का मैच है, पता शायद बारिश हो गई है, 16 ओवर का मैच है तो कम से कम 150 रन तो मारना चाहिए दिल्ली को मुंबई की बैटिंग को देखते हुए। और ये दूसरी बॉल पे भी, ओहो, दो बॉल लगातार अच्छी स्ट्रोक्स मारते हुए स्टॉइनिस, और ये दूसरा चौका, 2 ओवर 14 रन। और धवन ने भी स्टॉइनिस के साथ साथ चौका मार दिया है, बहुत बढ़िया। और ये ऑफ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है, धवन की तो फेवरेट स्पेस है ऑफ पे, तो धवन बहुत अच्छा खेलते हैं। देखें आगे चल के कितना रन बनाते हैं धवन। और रोहित शर्मा फील्ड चेंज करते हुए, वाह। और धवन ने फिर लगा, फील्ड चेंज करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दो ही तीन ही प्लेयर बाहर रह सकते हैं। और धवन ने लगातार 3 बॉल 3 चौके मार दिए हैं, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 24 रन पे। और स्टॉइनिस को बॉलिंग करते हुए नेथन कुल्टेडे नाइल, इतना बड़ा नाम है, लेने में 3 मिनट लग रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन रिस्क का हाथ दिखाते हुए कमाल, ऐसे ही खेलेंगे तो दिल्ली और अच्छी आगे चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 160-150 रन अच्छा स्कोर हो जाएगा 16 ओवर में। और ये ओवर की आखिरी गेंद मार्कस स्टॉइनिस को, थोड़ा स्लो खेल रहे हैं दोनों प्लेयर, और ये उड़ा के मार दिया है। और ये एक बाउंस फोर, नेक्स्ट बॉल, वाह वाह, धवन भी लय में आते हुए, उन्होंने भी आखिरी बॉल पे चौका मार दिया है, तो यानी स्कोर बढ़ता हुआ 40 5 ओवर के समाप्ति पर। स्कोर कम है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ खेलना पड़ेगा। और आए हैं मुंबई के पहले स्पिनर राहुल चहर, इन्होंने इस साल काफ़ी खासी विकेट लिए हैं। स्टॉइनिस को पहली बॉल, ओ मिस, ओ हो, बच गए, एज लगते लगते बचा स्टॉइनिस, दम टेंशन में कि क्या किया जाए।
और ये 4 रन। दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। वापस कुणाल पांड्या पहली ओवर लाते हुए। पहली अपील देखें विकेट गिरता है कि नहीं, क्या निर्णय लेते हैं मुंबई इंडियंस। अंपायर ने तो नॉट आउट दे दिया है। और ये डिस्कस करते हुए, और वाह डीआरएस, पहला डीआरएस। नहीं नो बॉल तो नहीं है, सही बॉल डाली कुणाल पांड्या ने। इम्पैक्ट किधर लगा देखें, एज है कि एज है कि नहीं, एज है कि नहीं, एज है कि नहीं, एज है कि नहीं, नहीं तो बहुत दूर है बॉल से, बैट बॉल से बहुत दूर है, काफी दूर है। एज का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अंपायर आउट कैसे नहीं दिया? ओहो क्या बात है, ये टेक्नोलॉजी रियल में भी होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो ट्रेस कर रहा है बॉल, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। और कोई भी आपको कोई भी कंट्री में, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, कहीं भी ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अभी भी रिव्यू देखते हुए काफ़ी टाइम लगा रहे हैं थर्ड अंपायर। एक और बार और अपील देखें कहाँ पिच हो रहा है। और इन लाइन, ओहो पिच इन लाइन है, देखें इम्पैक्ट इन लाइन है, इम्पैक्ट भी इन लाइन है, और स्टंप पे लगा। और ये आउट, पहला विकेट गिरते हुए 62 पे। क्या बात है, फाइनली एक विकेट मिला मुंबई इंडियंस को 8 ओवर 62। और अंपायर ने अपना बदल के आउट का इशारा। स्लो खेल है। नेक्स्ट आए शिमरॉन हिटमायर पहली बॉल खेलते हुए। ओ वेल प्लेड शिमरॉन हिटमायर वर्सेस राहुल चहर। हिटमायर को और ये आउट, बेहतरीन कैच डेकॉक से। बहुत खुश हो गए, वाह वाह वाह, फाइनली 1 ओवर में 2 विकेट। और इनसाइड एज, और क्या कैच पकड़ा है, ऐसे रिफ्लेक्सेस रियल में होने लगे तो पता नहीं क्या करें। गोल्डन डक पे आउट। और अगले बैट्समैन देखें कौन आते हैं अब इनके, श्रेयस अय्यर। ये लो, इंडियन बैट्समैन को बॉलिंग करोगे तो खाओगे ना। कुणाल पांड्या श्रेयस अय्यर को लगा दिया है चौका। इंडियन बैट्समैन स्पिनर को तो सबसे अच्छा खेलते हैं, ये तो गेम में भी पता चल ही जा रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर इतने अच्छे से नहीं खेलते, इतना इंडियन बैट्समैन बॉल खेल लेते हैं। और ये लास्ट बॉल, और ये एक और चौका ऊपर से, लग रहा है ये कवर ड्राइव कुछ ज़्यादा ही फेवरेट जगह हो जा रही दोनों की। 10 ओवर में 80 रन, बहुत अच्छे। राहुल चहर शिव चौका वापस ऑफ पे, बहुत ही बेहतरीन शॉट। एक्सक्यूज मी सॉरी। और एक और चौका, 2 बॉल 2 चौके लगा दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट। राहुल चहर अब टेंशन में आ गए होंगे। और तीसरी बॉल ही वहीं डाली, और तीसरी बॉल भी वही रिजल्ट। बाप रे बाप, सही है। रोहित शर्मा समझाते हुए, भाई क्या कर रहा है, मार खिलाएगा, थोड़े रन तो मत बना, आउट कर इसको, इंडियन बॉलर दे। 3 बॉल 3 चौके लगते हुए राहुल चहर की इकोनॉमी पूरी खराब कर दी है। लो शॉर्ट बॉल डाली और उन्होंने बैकफुट पे बहुत ही बेहतरीन चौका। 4 बॉल 4 शोर, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग शिखर धवन के अनुसार। और उनका 50 33 बॉल 50, ये हैं अपने शिखर धवन जी। अरे ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन नहीं किया इन्होंने, वाह वाह पूरी देखिए, सब जितने चौके पड़े हैं ज्यादातर ऑफ पे ही मारे इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन वैगन व्हील। और कुणाल पांड्या श्रेयस अय्यर को, बॉलर चेंज हुआ, बैट्समैन चेंज हुआ, लेकिन रिजल्ट सेम, 4 रन की तरफ। दूसरी बॉल श्रेयस अय्यर को कुणाल पांड्या,
ओहो, लेग पे बहुत ही अच्छा शॉट उठा के मार दिया है। और तीसरी बॉल, और 3 बॉल पे 3 चौके। शिखर धवन के साथ दिल्ली कैपिटल के कैप्टन भी सही तरीके चल रहे हैं। वाह, इसको बोलते हैं लक, इनसाइड एज और चौका। बॉल अच्छी थी लेकिन इनसाइड एज चौका। और ये पीछे, ओ हो, क्या कैच पकड़ा है, उल्टा भागते पकड़। और ऋषभ पंत स्ट्राइक पे आए। स्ट्राइक पे, वाह, धवन को तो ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई भी बॉलिंग करो चौका ही मारेंगे हम तो। फिर आउट, लो, ज्यादा मारने पे जा रहे थे धवन और ये आउट हो गए हैं। अच्छा खेले, 42 बॉल 65 रन। देखे नया बैट्समैन अब कौन आ रहा है, अजिंक्य रहाणे नए बैट्समैन हैं इनके। बैट्समैन बदल गया लेकिन तेवर नहीं बदल रहे हैं सब। रहाणे ने भी पहली बॉल पे ही चौका लगाया और दूसरी बॉल रहाणे को। और ये अपील, अंपायर ने आउट दे दिया। देखें अभी क्या होता है, इन लोग रिव्यू लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और विचार विमर्श के बाद बैट्समैन ने रिव्यू लेने की सुनी। और ये इन लाइन पिच हुआ है, इम्पैक्ट भी इन लाइन हुआ है, मिसिंग द स्टंप, बच गए, बैटरी नहीं है, ठीक है, बच गए डीआरएस की वजह से, नहीं तो अजिंक्य रहाणे घर पे जाते। अंपायर ने निर्णय बदला, नॉट आउट, रहाणे को लाइफ लाइन। 2 बॉल में 4 रन बनाए हुए हैं। नेक्स्ट बॉल देखें ट्रेंट बोल्ट कहाँ डालते हैं। और शॉट डाली और उन्होंने पुल कर दिया, वाह। रहाणे चौथी 5वीं बॉल पे, हो, क्या शॉट मारा है, वाकई अच्छा शॉट मारा है, एकदम लेग पे। स्कोर बढ़ता हुआ 140। और आखिरी बॉल, आखिरी बॉल फुल टॉस डाली और ऋषभ पंत ने लेग पे मार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्किया, एनरिक नॉर्किया बॉलिंग पे है, साउथ अफ्रीका के 23 बॉलर हैं। इन्होंने इस साल आईपीएल में सबसे तेज बॉलिंग की है, 150 के ऊपर की स्पीड, आईपीएल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और रोहित शर्मा को पहली बॉल, रोहित शर्मा ने खेल दिया ऑफ की तरफ, धीमे से सेफ खेलते हुए रोहित शर्मा, थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपने हिसाब से कि देखें क्या होता है। और दूसरी बॉल नौरखिया की रोहित शर्मा को, और दूसरी बॉल भी दम सेफ। जानते हैं कि थोड़ा रोहित शर्मा की आदत है कि स्टार्ट थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन एक बार 10-12 बॉल खेल लेते हैं उसके बाद तो इनकी पूरी रफ्तार ही बदल जाती है। 10-60 के स्ट्राइक रेट सीधा 150 के स्ट्राइक रेट पहुंच जाते हैं रोहित शर्मा। और ये तीसरी बॉल भी सेफ खेल लिया है। लग रहा है बॉल बैट पे नहीं आ रही इतने अच्छे से जितना आना चाहिए। बॉल 0 रन, रोहित शर्मा पे अभी प्रेशर होगा। मुंबई इंडियंस पे तो प्रेशर नहीं होगा क्योंकि उनको पता है कि एक बार उनके कैप्टन से बैट से बॉल रन निकलने लगे तो फिर रुकते ही नहीं है। और 5 बॉल लगातार डॉट करने के बाद देखें लास्ट बॉल पे चौका पड़ता है, ये पहली मेडन ओवर जाएगी इस फाइनल की। नौरखिया की आखिरी बॉल और ये आखिरकार रोहित शर्मा ने बोला बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा। क्विंटन डेनॉक, डेकॉक, डेनॉक ही कहता हूँ मैं। अजिंक्य रहाणे, ये क्या है, श्रेयस अय्यर, रहाणे को पहली दूसरी ओवर दे रहे हो, क्या हो गया भाई, इतना भी रन नहीं मारा है। देखे रहाणे कैसी बॉलिंग करते हैं।
लो। और ये डेकॉक ने पहली बॉल पे ही रहने को लगा दिया है चौका। कहीं 4 6 बॉल 6 चौके ना मार दे रहने को। बड़ा अजीब डिसीजन था ये। लो 2 बॉल 2 चौके। अब कोई नहीं, देख रहे हैं सब तरफ है 2 ही चौके। और ये तीसरा चौका, लेकिन इस बार नौरखिया को मारा है इन्होंने। डेकॉक फॉर्म में खेल रहे एकदम। 9 बॉल में 15 और एक और फिर चौका। वाह वाह, 10 बॉल 19 रन। देते हुए वही रिजल्ट, वही जगह, वही फेवरेट जगह हो गई है चौका मारने की। देखो अच्छा खेल रहे, 15 बॉल 26 रन, 5वीं गेंद और फिर थोड़ी सी बाहर डाली और डेकॉक ने हाथ फैला के चौका मार दिया। हाथ खोल के रबाड़ा, रबाड़ा की दूसरी गेंद पे ही रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि भाई डेकॉक ही क्यों मारे, हम भी मारेंगे। काफी स्लो खेलते हुए ऐसे यार सोच रहे हैं रविशंद्र अश्विन को लाके कि थोड़ा चेंज करें, फास्ट बॉलर से कुछ नहीं हो रहा, स्पिनर से ट्राई करें। 11 ओवर में 105 रन चाहिए। और डेकॉक को बॉल डालने गए और ये कैच, क्या बात है, श्रेयस अय्यर का डिसीजन बहुत ही कामयाब हुआ। पहली बॉल पे ही विकेट रविशंद्र अश्विन को। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा स्लिप पे, फर्स्ट स्लिप पे इतने अच्छा कैच पकड़ना रियल लाइफ में तो मुश्किल होगा, लेकिन गेम में तो देखिए दम कड़क पकड़ लिया इन्होंने, कोई चांस नहीं हटने का। श्रेयस अय्यर ने ही कैच पकड़ा और दूसरे बैट्समैन आते हुए सूर्य कुमार यादव। लो सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहली बॉल पे चौका, क्या खाता खुला है, 4 रन से खाता खोलते हुए सूर्य कुमार यादव। दूसरी बॉल स्ट्रेट खेल दिया है और 2 बॉल पे लगातार 2 चौका मारा है उन्होंने। इंडियन बैट्समैन को कोई भी स्पिनर दे तो सब मारेंगे। फिर चौका मारा। अब रोहित शर्मा भी लय में आ रहे हैं, उन्होंने भी 13 बॉल 13 पे आ गए हैं, स्लो खेल रहे थे काफी। नेक्स्ट बॉल और अश्विन की, देखें कुछ कर पाते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुंबई बैट्समैन को। बहुत ही तेज खेल रहा है, जल्दी है इन लोगों घर जाने की। अमित मिश्रा, ये प्रवीण दुबे के बदले इनको खिलाया गया है क्योंकि गेम प्ले में का स्वागत किया है 4 रन से रोहित शर्मा ने। और दूसरी बॉल पे भी स्ट्रेट मारा है रोहित शर्मा। आउट हो सकते हैं, नहीं, बहुत ही बेहतरीन शॉट गैप में, कोई फील्डर नहीं। और 4 रन 2 बॉल में 2 चौके। अमित मिश्रा की तीसरी बॉल और 3 बॉल में 3 चौके। अमित मिश्रा अब सोच रहे हैं करे तो करे क्या। श्रेयस अय्यर समझाते हुए, भाई रोहित शर्मा है वो, संभल के खेलिए, संभल के डालिए, नहीं तो खाते रहेंगे आप चौके पे चौका। और ये चौथी बॉल देखें क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं अमित मिश्रा की। परिणाम वही, वाह, ऑफ स्टंप पे डालते हुए बाहर। अमित मिश्रा ने हाथ खोल के मारा है शॉट, 2 रन पूरा करते हुए और ये तीसरा रन भी पूरा। वाह, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन की। तीसरी ओवर पहली बॉल पे वही, आप बॉल डालिए हम आपको चौका मारेंगे। सूर्य कुमार यादव, अब अमित मिश्रा की फिर पहली बॉल पे फिर चौका पड़ा अमित मिश्रा को। रोहित शर्मा तो एकदम चेंज हो गए, 5 रन था उनका 11 बॉल में, 39 रन हो गया है इनका, बहुत ही फास्ट खेलते हुए। और ये 2 फिर लगातार 3 बॉल 3 चौके। अमित मिश्रा अब तो लग रहा है तीसरी ओवर तो नहीं मिलने वाली इनको, 3 चौके खा चुके हैं ओवर में। और लास्ट बॉल क्या करेंगे, लास्ट बॉल भी चौका। लो और इसी से रोहित शर्मा पहुंचते हुए 47 पे 32 बॉल, बहुत ही फास्ट खेल लिया जैसा हमने कहा था। सूर्य कुमार यादव ने भी अपने कैप्टन के साथ साथ बोला तो कि हम भी थोड़ा फास्ट खेलेंगे। 5 ओवर में 42 रन ही बहुत, और ये बहुत ही अच्छा फ्लिक शॉट मारा है लेग पे, टाइमिंग के साथ, ना ताकत लगाए नहीं कुछ, पूरा टाइमिंग है। 2 बॉल पे 2 चौके
और तीसरी बॉल स्टॉइनिस की, और तीसरी बॉल पे भी वही परिणाम, 3 बॉल 3 चौके। लग रहा है सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं आप स्पिनर को मार सकते हैं, तो हम बैट्समैन 5 बॉलर को मारेंगे। श्रेयस अय्यर को पता नहीं क्या हो गया है। और ये आखिरी गेंद, और ये रोहित शर्मा का 50, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग मुंबई इंडियंस के कैप्टन के द्वारा। 34 बॉल 50, शिखर धवन की तरह इनका भी 50 हो गया फाइनल में। मुंबई इंडियंस जीत की तरफ चलती भागती हुई, चलती हुई भी नहीं बोला जाए। और ये 4 ओवर में 26 रन चाहिए, और ये पहली बॉल अश्विन की, और चौका, चौका जाता है नहीं जाएगा, जाएगा चला गया। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस वाले। अश्विन की दूसरी बॉल, तीसरी ओवर की, फिर बॉल डाला, पैर पे डाला, और उन्होंने सीधा ही मार दिया चौका। फील्डिंग बड़ी ख़राब लगाई है। 18 रन चाहिए अभी जीत के लिए। प्लीज़ कमेंट करिएगा मैच कैसा लगा। और ये वापस, वाह वाह वाह, मैच ख़त्म। दोनों बैट्समैन ने ही मैच ख़त्म कर दिया है, और काम तमाम कर दिया है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली का। तीन ओवर में 8 रन चाहिए, सूर्य कुमार यादव बैटिंग पे, और ये आउट। वाह वाह, क्या टाइम पे आउट हुए हैं, अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा है स्लिप पे, बेहतरीन कैच। शिखर धवन लग रहे हैं, अमित मिश्रा ने फाइनली विकेट लिया, बहुत अच्छा खेल लिया, मैच ख़त्म हो गया है। अब ईशान किशन, 8 रन चाहिए 17 बॉल में, और इन्होंने आते ही अमित मिश्रा का स्वागत वैसे ही किया जैसे पहले के दो बैट्समैन। भाई ख़त्म हो गया, लो भाई हम लोग सिर्फ फाइनल में आते हैं मुंबई से हारने के लिए, ख़त्म हो गया भाई, चलो घर पे जाएंगे। बॉल, और इन्होंने लगा दिया है चौका। मुंबई इंडियंस ने फाइनल जीत लिया है 8 विकेट से, और 5वीं बार आईपीएल की चैंपियन। अंपायर बोले चलो भाई घर चलो, साफ सफाई करो घर। जीत के साथ कप थोड़ा डिफरेंट है, वाला कप नहीं है, लेकिन चलो मैच खत्म। प्लीज लाइक करें, एक्सरसाइज आएगा। और ये मैच समरी जैसे आप देख सकते हैं, मुंबई ने 2 ओवर रख के मार दिया है। रोहित शर्मा 68, क्विंटन डे कॉक 31, सूर्य कुमार 35, और यहाँ पे बॉलिंग फिगर्स।